जिसके होने से, जिसके शामिल होने से नक्शे का मान चौगुना है और जिसके बलिदानों से भारत का मान 100 गुना है। इसका कंकर कंकर प्रलयंकर सुरभित चंदन सा कण कण है, हे महिमामयी मेवाड़ भूमि, तेरा वंदन है, अभिनंदन है। मैं अगर कुछ कम शब्दों में कोई बात कहना चाहूं तो एक लंबे समय तक भारत माता की मान मर्यादा को जिसने गगन में देदीप्यमान किया वो मेवाड़ में ही थी। 1300 वर्षों तक एक ही कुल का शासन यहां पर रहा और प्रत्येक राजनायक ने, कहीं एकाध अपवाद को छोड़ दें तो प्रत्येक राजनायक ने इस देश के प्राण तत्व हिंदुत्व, इस देश की राष्ट्रीय अस्मिता और भारत माता के चरणों की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया। जब भारतवर्ष पर मुगलों की आंधी आई, या मैं अरब की आंधी कहूं, और राजा दाहिर सेन के पतन के बाद उनके परिवार ने अगर शरण ली तो वो मेवाड़ में ही थी, और बप्पा रावल ने ईरान और इराक तक उन आततायियों को खदेड़ करके और इस भारत माता का गौरव बढ़ाया, और उनके पराक्रम के कारण अगले 500 वर्षों तक भारत की ओर कोई टेढ़ी नजर करके नहीं देख सका। एक के बाद एक लगातार पराक्रमी हुए और इसलिए गुहिल के वंशज गहलोत कहलाए, तो खुमान के पराक्रम के कारण इस वंश का नाम खुमाना पड़ गया। इतना ही हुआ नहीं, पन्ना के बलिदान को अगर मैं रेखांकित करूं तो समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं मेवाड़ मही की कल्पना मात्र देता हूं कि उसने अपने पुत्र को और भविष्य को, भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बकरे की तरह कटवा दिया। युद्ध में तो कटते होंगे, अनेक शहीद होते होंगे, पर ते दीदो निज पुत्रो बकरा जो बलिदान, मूक समर्पण हो गया। यहां जौहर और शाखों का संसार में सानी नहीं मिलेगा, दुनिया दांतों तले अंगुली दबाकर देखती है। चट चट करती चनन में भट भट धबकी, झट झट करने चढ़ चली सतिया अमर सुहाग। ये कैसा सौभाग्य, अग्नि में अपनी देह जला करके सौभाग्य प्राप्त करना कैसा रहा होगा। अंगुली को थोड़ा सा अंगारा कहीं लग जाए तो चीखे निकलने लगती है। उस अग्नि में देह को स्नान करा करके भस्मीभूत कर देना कैसा त्याग था, कैसा समर्पण था। भारत माता की अभ्यर्थना यहां के शूरवीरों ने इसी रूप में की, और जब तक अकबर की काली छाया चारों तरफ नहीं फैल गई, मेवाड़ का सूर्य उसी तरह से दीप्ता रहा, उसका मारतंड उसी तरह से देदीप्यमान रहा, किंतु उसके बाद किंचित मध्यम पड़ा। हालांकि वह बादलों की ओट से अपनी प्रभा को जैसे तैसे पहुंचा तो रहा था, परंतु कहीं कमी पड़ी। और तब मैं अपने आज के नायक की तरफ आता हूं, महाराणा राज सिंह ने उस सूर्य को उसी प्रखरता के साथ वापस देदीप्यमान किया और उस मुगल सत्ता की आंधी को ऐसी चुनौती दी कि किंचित वर्षों बाद वो भूल लुंठित होकर के समाप्ति की ओर चली गई। महाराणा जगत सिंह जी का शासन था मेवाड़ में। जगत सिंह ने एक संतुलित नीति अपनाई थी मुगल बादशाहों के विरुद्ध में। दिल्ली में शाहजहां का शासन था और महाराणा प्रताप के देहावसान के बाद
अमर सिंह जी ने और जहांगीर अकबर इनको खूब छकाया, किंतु करण सिंह जी, महाराज कुमार करण सिंह जी ने महाराणा अमर सिंह जी को सूचना दिए बगैर सब सरदारों की इच्छा अनुसार दिल्ली से संधि कर ली। हालांकि संधि बहुत स्वाभिमान पूर्ण थी, लेकिन कारण भी रहा था, चार चार पीढ़ी लगातार कट चुकी थी, चार पीढ़ियों का लगातार कट जाना कैसा दारुण दृश्य रहा होगा। उस दारुण दृश्य में एक संधि हुई थी, परंतु अमर सिंह जी को इसका कष्ट इतना हुआ कि संधि के बाद कभी महलों से बाहर नहीं निकले। उनको लगा कि जो मेवाड़ का गौरव था वो चला गया मेरे हाथ से। टूटे मन से संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए अमर सिंह जी की संधि कहलाती है। असल में महाराज कुमार करण सिंह जी ने की थी संधि, वह चल रहा था। महाराणा जगत सिंह जी ने उस संधि को किंचित चुनौती देते हुए चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराना शुरू किया। शाहजहां ने कुछ फरमान भेजे थे कि कंधार विजय की ओर आप अपने सैनिक भेजिए, महाराणा ने ध्यान नहीं दिया। दक्षिण विजय की तरफ कुछ सेना की सहायता भेजिए, अपनी संधि के मुताबिक आपको भेजना है, परंतु जगत सिंह जी ने वो भी ध्यान नहीं दिया, कुछ चीजों की उपेक्षा करते रहे। और धीरे 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 मेवाड़ की शक्ति को वापस पुनरोदय की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु सन 1652 में उनका देहावसान हो गया। महाराणा जगत सिंह जी का देहावसान हो गया और कार्तिक वदी द्वितीया संवत 1686, तदनुसार 1629 24 अक्टूबर को उनको जो पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे राज सिंह जी, उनका गद्दी नशीनी हुई कार्तिक कृष्णा चौथ 10 अक्टूबर 1652 उनकी गद्दी नशीनी हुई। गद्दी नशीनी होते ही और उन्होंने ये जो कार्य थे चित्तौड़ के किले की मरम्मत का जो महाराणा जगत सिंह जी ने शुरू किया था उसको अनवरत जारी रखा। इतना ही नहीं, उनके चाचा गरीबदास मुगल दरबार में थे, वहां से जब वापस लौटे तो उनको अपनी सेना में उचित स्थान देकर के जागीरी इनायत की। इससे शाहजहां काफी रुष्ट हुआ, गरीबदास को सेना में लेना, कंधार विजय के समय पत्र की अनदेखी करना, दक्षिण विजय के समय के पत्र की अनदेखी करना, ये उसने मेवाड़ के जुर्म माने थे। और जब वह अजमेर जियारत के लिए आया तब महाराणा जगत सिंह जी ने बहुत तरकीब से एक बार राज सिंह जी को उनके पास भेज दिया था कि कहीं आक्रमण ना कर दे, क्योंकि देवलिया, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन्होंने कर देने से मना कर दिया था मेवाड़ को, और सीधे संबंध मुगलों से स्थापित कर लिए थे। तब 1643 में राज सिंह जी महाराज कुमार को और शाहजहां के पास भेजा था, वहां जाकर के उन्होंने मुगल दरबार के तरीकों को देखा, उनकी कूटनीति को समझने का प्रयत्न किया। ऐसा ही एक अवसर और आया जब ईरान के बादशाह से एक बल्ख नाम का क्षेत्र शाहजहां ने जीत लिया, तो उसका कूटनीति के सहारे जगत सिंह जी ने उत्तर देने के लिए फिर से महाराज कुमार राज सिंह जी को वहां पर भेजा, और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने फिर से और गहरा अध्ययन किया। 1648 में राजमाता जनादे के साथ में और सोरम जी गए और वहां स्वर्ण का तुला दान किया गंगा स्नान के समय में।
महाराणा राज सिंह जी के तुलादान बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत दानवीर थे। और जब उस तुलादान के बाद लौटे तो उस समय मुगल अधिकारियों ने जो जिस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया और उसके कारण उनको उनसे संघर्ष करना पड़ता, छोटे छोटे संघर्षों के कारण उनको समझ में आया कि मुगलों की असली नीति क्या है। ये मित्रता चाहते नहीं है, ये मातहत ही करना चाहते हैं और पूरे देश को गुलाम बनाने की और अग्रसर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने उस सारे निर्माण कार्यों को जो जगत सिंह जी ने शुरू किए थे रखे थे। मेवाड़ राजवंश की परंपरा में गद्दी नशीनी उत्सव के समय जब मेवाड़ के महाराणा का देहावसान होता है तो एक बड़े महाराज कुमार अपने ऊपर एक चद्दर, सफेद चद्दर, पछेवड़ा कहते हैं उसको, वो डाल देते हैं, परंतु राज्य शासन उसी समय से संभाल लेते हैं, वो राजकीय दग्ध स्थान पर नहीं जाते हैं। उसके बाद में ठीक समय देख करके राज्यारोहण का उत्सव किया जाता है, हरियाली पूजन किया जाता है। पहले ये जो पछेवड़ा हटाने का यानी शोक निवारण का जो अधिकार था वो कोठारिया राव साहब के पास था, बाद में वह बेदला राव साहब के पास चला गया। इस प्रकार से उस शोक निवारण के बाद में एकलिंग जी दर्शन करने आए, नगर परिभ्रमण किया, पीताम्बर राय जी के दर्शन किए और अपने शासन की रूपरेखा का निर्धारण किया कि मेरे शासन काल में मेवाड़ का अभ्युदय कैसे होगा और जो भारतवर्ष को गुलाम बनाने के लिए आततायी औरंगजेब की शक्ति है उसको मैं चुनौती कैसे दूंगा, ऐसा निर्धारण किया। और तब यह अवसर उनको मिला। 54 में उनको कुछ समझौता करना पड़ा, कुछ शक्ति संजय कर रहे थे, हालांकि वो अपनी टीका दौड़ उसे कहते हैं, राज्यारोहण के बाद में अपने शत्रु क्षेत्र पर मेवाड़ का महाराणा आक्रमण करता था अपना सेना सहित। यदि कोई शत्रु क्षेत्र नहीं है पास में तो फिर उसको अपने यहां काल्पनिक रूप से भी उसको खेल के रूप में, आखेट के रूप में खेला जाता था। तो टीका दौड़ की तैयारी कर रहे थे। 54 में शाहजहां के आक्रमण के समय में कुछ क्षेत्र खोने के बावजूद उन्होंने समझौता किया कि कुछ शक्ति संचय करना जरूरी है और उसके बाद में उनको यह अवसर मिला। जब 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हुआ, उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। इतनी गंभीर बीमारी के कारण यह अफवाह भी फैल गई कि शाहजहां का देहावसान हो गया है। तब उनका उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। महाराणा राज सिंह जी ने उस समय को चुना कि यह उचित समय है शत्रु पर प्रहार करने का और टीका दौड़ में उन्होंने मालपुरा 9 दिन तक लूटा, चाटसू और आसपास के क्षेत्रों में जो मुगलिया क्षेत्र थे उनके ऊपर आक्रमण किए और उधर से जो उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब संघर्ष कर रहा था उसके पास एक दूत भेज दिया कि मैं तुम्हारे समर्थन में हूं, तुम आगे बढ़ो। यह कूटनीतिक प्रयत्न था, उसकी सेना में कहीं पर भी सम्मिलित नहीं हुए लेकिन औरंगजेब को सपोर्ट किया उन्होंने। औरंगजेब जब नर्मदा पार करके और अपना विजय कर चुका था तब वो सीधा आगरे की ओर बढ़ा। आगरे की ओर बढ़ते ही उसने महाराणा राज सिंह के पास एक निशान भेजा और उन्होंने कहा जो क्षेत्र मेवाड़ का शाहजहां ने अपने कब्जे में ले लिया था उस सारे क्षेत्र को आप वापस ले सकते हो, देवलिया, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से भी आप कर वसूली कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात थी और इसलिए उन्होंने देवलिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वापस मेवाड़ के अधीनस्थ करने का प्रयत्न किया। टीका दौड़ लगभग 6 महीने, विजयादशमी 1657 को शुरू हुई जो 58 तक चली। 21 जुलाई 1658 को जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तब तक उनके मित्रतापूर्ण संबंध चलते रहे। तभी
कुछ समय उपरांत एक घटना घटती है। मेवाड़ का मांडलपुर क्षेत्र मेवाड़ से हस्तगत करके शाहजहां ने किशनगढ़ के रूप सिंह को दे दिया था और रूप सिंह शाहजहां के एक युद्ध में शहीद हो गए और वहां 3 वर्षीय बालक मान सिंह का गद्दी नशीनी हुई। किशनगढ़ में 3 वर्षीय बालक की गद्दी नशीनी मान सिंह की हुई और उस कुछ समय पश्चात औरंगजेब ने एक खरीदा भेजा और वो खरीदा ये कहता था कि राजकुमारी से चारुमती से विवाह मैं करने वाला हूं। चारुमती के सौंदर्य की चर्चा चारों तरफ थी। एक चित्र बेचने वाली वहां पर पहुंची थी और जब चित्रों को देख रही थी वो असल में दूतिका का काम कर रही थी, औरंगजेब की दूतिका बन करके आई थी, एक एक चित्र दिखा रही थी, ये शहंशाह औरंगजेब है, ये शहंशाह औरंगजेब का ये स्वरूप है, वो प्रशंसा कर रही थी, परंतु वो एक एक पन्ने को दूर फेंकती जा रही थी। अंदर से महाराणा राज सिंह जी का चित्र निकला, उसने उनको वंदन किया और मन ही मन अपना प्राणपति स्वीकार कर लिया। मेवाड़ को पत्र भेजा। मान सिंह भी नहीं चाहते थे कि चारुमती का विवाह औरंगजेब से हो, चारुमती स्वयं भी नहीं चाहती थी। चारुमती ने एक पत्र लिखा मेवाड़ के महाराणा को और एक ब्राह्मण के साथ भेज दिया और लिखा उसमें कि जिस प्रकार से रुक्मणी का हरण करके भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी, मैं अपना हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करती हूं कि मेरी लाज इन मलेच्छों के हाथ पड़ने से आप बचा लीजिए। जब गजराज उपलब्ध हो तो खर की सवारी कौन करेगा, जब अमृत उपलब्ध हो तो विषपान कौन करेगा, और इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मेरी लज्जा रखें। वो पत्र जब वहां पहुंचता है उदयपुर में, महाराणा राज सिंह जी के दरबार में पेश होता है, सामंतों से परिचर्चा होती है, सामंत एक स्वर में जवाब देते हैं कि इस हिंदू ललना की इज्जत की रक्षा करने के लिए मेवाड़ को सिद्ध होना पड़ेगा। पान का बीड़ा घुमाया गया सरदारों के बीच में, नेतृत्व कौन करेगा औरंगजेब की सेना को रोकने का, तो कुल याद करता है ना, कुल कहता है ना कि तू कर। हरावल में रहते हुए इस सलुम्बर के राव रतन सिंह ने वो बीड़ा तत्काल उठा लिया। बीड़ा उठाने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और घर पहुंचता है। उस घर में भी तो शहनाइयां बज रही थी, 4 दिन पहले ही तो विवाह हुआ था, अभी कंकण डोरे भी नहीं खुले थे, 4 दिन पूर्व ही विवाह हुआ था, रानी में मन लगा हुआ था। पर रतन सिंह ने तो उस उत्साह में कि मेरे कुल का विरुद्ध क्या है, मेरे कुल की परंपरा क्या है, बीड़ा उठा लिया था। वहां जाकर के थोड़ा सा मन कमजोर हुआ। रानी ने कहा ये शहनाई की जगह आज भैरवी कैसे बज रही है, आज ये कैसा राग सुनाई दे रहा है। सलुम्बर राव ने अपनी रानी को सहल कुंवर को, जिसको कोई कोई इंद्र कुंवर भी कहते हैं, मूल नाम उनका सहल कुंवर है, उनको जब सारा क्रम बताया तो रानी ने कहा कि उस हिंदू लल्ला की इज्जत बचाने के लिए आपको जाना ही चाहिए, रणप्रयाण करना चाहिए। रानी से मिल करके अश्वारूढ़ होने के लिए जाते हैं सेना का नेतृत्व करने के लिए, परंतु मन फिर पीछे की ओर चला जाता है, गवाक्ष की ओर नजर डालते हैं। वो सुमुखी सयानी अपने पति को रणक्षेत्र की तरफ जाते हुए देदीप्यमान मुखड़े को देखना चाहती थी, इसलिए निहार रही थी, और इधर इन्होंने देखा कि ये कायरता दिखा करके मुझे देख रही है, इनमें स्वयं में कायरता व्याप्त हो गई। अपने सेवक को भेजा, जाओ रानी से निशानी लेकर आओ। जब सेवक वहां पर पहुंचता है तो निशानी का नी शब्द केवल निकला और रानी समझ गई, क्योंकि वो उस परंपरा की थी ना, बिन जीत्या बिन मरिया धनी जो आया दाम, पग पग चूड़ी पाछटू जय रावतरी जाम।
अगर बिना मरे हुए और बिना जीते हुए मेरे स्वामी अगर घर आते हैं तो मैं कदम कदम पर अपनी चूड़ियां फोड़ूंगी। और ये सहनी सबरी हुख हरी दौर उलटी दाह, सब कुछ सहन कर सकती हूं, परंतु ये सहन नहीं कर सकती। सहनी सबरी हुख हरी दौर उलटी दाह, मुझे दो चीजें तंग करती है, दूध ले जानो पूत सम वले ले जानो ना। बेटा जब दूध ले जाता है और पति जब चूड़े को ले जाता है, ऐसा मैं कैसे सहन कर सकती हूं। वो नी शब्द ही निकला, शाणी शब्द तो निकला ही नहीं। और सेवक की कमर से तलवार खींच करके और अपना सिर धड़ से अलग करके सौंप दिया, ये ले जाने शाणी। साड़ू कट सिर कटियो, साड़ी कटी पहले फिर सिर कटा, साड़ू कट सिर कटियो कटी घुंघटरी भाल, यो मुख चुंडे देखियो थूकी में देखे थाल। पहले घूंघट की भाल कटी, सिर जब थाल में पड़ा तो प्रतिबिंब दिखाई देता है थाली में, इसलिए वो घूंघट कहता है कि इस मुख को पहले राव सलुम्बर रतन सिंह ने देखा है। ये थाल तो पुरुषवाचक है, तू कैसे देख सकता है। शाळू कट सिर कटियो कटी घुंघटरी भाल, यो मुख चुंडे देखियो थूकी में देखे थाल। सिर सौंप दिया और जब सिर निशानी के रूप में लेकर के वह सेवक रत्न सिंह के सामने उपस्थित होता है तो उसके बाहु फड़कने लगते हैं, कवच में शरीर नहीं समाता है, कवच की कड़ियां कड़क उठी। उस मुंड के केशों को दो भागों में विभक्त किया और अपने गले में मुंडमाल की तरह लटका दिया, रण क्षेत्र में पहुंचा। उधर से शिव ने यह दृश्य जब देखा तो उन्होंने कहा, यह दूसरा शिव कौन आ गया है मेरा भाई, कहीं बंटवारा तो नहीं कराएगा मेरे कैलाश का। और रण क्षेत्र में जूझ पड़े, मारकना हाडी किया, हाडी ने सबको मारकना कर दिया, मारने वाला कर दिया, मारकना हाडी किया। शीश दियोजन वेर, जिस समय में शीश दिया, शीश दियोजन वेर, कैसे किया, कैसे मारकना कर दिया। रावत मारे तुरुष्का, रावत तो तुर्कों को मार रहा है और तोरण मारे ऐरान, और महाराणा तोरण मार रहा है। सेना को रोक दिया, औरंगजेब की सेना की टुकड़ी हार करके चली गई, जहर का घूंट पी करके पीछे मुड़ गई। महाराणा चारुमती को विवाह करके लेकर के आ गए, ये औरंगजेब को सीधी चुनौती थी, ये सीधी चुनौती थी। कुछ कालखंड बीतता चला, औरंगजेब देख रहा था, उसको मेवाड़ की शक्ति का अनुमान भी था, क्योंकि उसके दादा परदादाओं को इस मेवाड़ ने कैसा पानी चखाया था उसको मालूम था। यहां के तो आबाल वृद्ध नर नारी सबने तो युद्ध में भाग लिया था, और फिर हाडी रानी की कथा जब उसके कानों में पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। याद आ गया उसको गोरा बादल का बलिदान, याद आ गया उसको जयमल फत्ता का, और शौर्य उसकी मूर्ति ही तो लगाई थी अकबर ने आगरे के किले पर, जयमल बढ़ता जीमणे पत्तो डावे पास, जयमल बढ़ता जीमणे पत्तो डावे पास, हिंदू चढ़िया हाथिया अड़ियो जस आकाश। ये हिंदू हाथियों पर चढ़ करके संगमरमर की मूर्तियां अकबर को बनवानी पड़ी, परंतु औरंगजेब को गुस्सा आया, उसने जाकर के आगरे के किले से वो मूर्तियां सबसे पहले तोड़ी। उसने कहा, ऐसा शौर्यवान मेवाड़ मैं नहीं जाऊंगा, परंतु ये मूर्तियां भी मैं नहीं देख सकता। उसने तोड़वा दी मूर्तियां, ऐसा शौर्य उसको चमत्कृत कर गया उसने मेवाड़ की। और उस समय झांका नहीं, खटक तो रहा था उसको पर झांका नहीं। ये जो कालखंड था वो ऐसा कालखंड था जब राज सिंह जी का शौर्य आकाश में देदीप्यमान हो रहा था। एक कुछ काल समय ऐसा निकला जब मेवाड़ एक शांतिपूर्ण काल की ओर बढ़ रहा था,
सृजन के कार्यों में महाराणा अनेक कार्य करवा रहे थे। व्यापारी के दरवाजे को उनको पता था कि औरंगजेब किसी भी समय आक्रमण करेगा जरूर, और इसलिए व्यापारी के दरवाजे को उन्होंने मजबूत किया, वहां एक सुंदर बावड़ी का निर्माण करवाया। बेड़वास में उनके कामदार फतेहचंद कायस्थ ने एक बहुत शानदार बावड़ी बनवाई, रामरस देने झरना की सराय बनाई। इन निर्माण कार्यों का सिलसिला चल रहा था मेवाड़ में। उस कालखंड में महाराणा राज सिंह जी से एक किंचित सी भूल भी होती है, मैं उसको भी रेखांकित करना चाहूंगा। किसी कारण से उनको अपने बड़े कुंवर सुल्तान सिंह पर संदेह हुआ। यह संदेह कुछ लोगों ने उत्पन्न किया था, मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, परंतु संदेह हुआ था इतना बहुत। और राजकुमार की हत्या महाराणा राज सिंह जी के हाथ से हो गई। राजकुमार की हत्या हो गई कोई बात नहीं, परंतु जिस रानी ने षड्यंत्र पूर्वक अपने पुत्र सरदार सिंह को राजा बनाने के लिए सुल्तान सिंह को मरवाया था, उस रानी के हाथ का पत्र पुरोहित के नाम लिखा हुआ जो रास्ते में गिर गया, और जिस दयाल शाह का किला बना हुआ यहां पर, उन दयाल शाह के हाथ लगा और राणा जी को जब पेश कर दिया गया तो राणा जी को फिर गुस्सा आया, वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सके। उस इंदवा सूरी को करना चाहिए था क्रोध पर नियंत्रण, परंतु नहीं कर पाए और उन्होंने रानी की भी हत्या कर दी। और जब रानी की हत्या हो गई तो कुंवर सरदार सिंह अपने कुंवर पदे के महलों में विष खा करके अपनी यह लीला समाप्त कर चुके थे। उन्होंने कहा कि यह शरीर चला जाए तो कोई बात नहीं, यश नहीं जाना चाहिए, मैं इस बदनामी को सहन नहीं कर सकता कि मैं अपने बड़े भाई के राज तिलक में बाधा बनना चाहता था, इस अपयश को लेकर के मैं संसार से नहीं जाना चाहता। इसलिए उसने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, ये पिंड चला जाए तो कोई बात नहीं, पानी नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं जानी चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं जानी चाहिए, मेरे कुल की परंपरा नहीं जानी चाहिए, मैं इस प्रकार के घिनौने कार्य में शरीक नहीं हूं, इसका मैं क्या प्रमाण दे सकता हूं, बस ये देह को समाप्त करना ही मेरे लिए विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। सुल्तान सिंह मर चुके थे, सरदार सिंह मर चुके, रानी मर चुकी। तब एक चारण कवि थे उदयभान, उन्होंने कहा जगता था सो चला गया, जगत का उजियाला रही चिरमली बापड़ी कीदा मुह काला। वो जगत सिंह जगत का उजाला था, महाराणा चला गया, अरे तू तो चिरमली के समान है, तेरा अस्तित्व क्या है, तेना अपना मुंह काला कर दिया। ये धिक्कार दंड देते ही उनको फिर गुस्सा आया और उन चारण को ये लीला समाप्त कर दिया। ये चार लोग शहीद हो गए। उस समय सरदार सिंह के काव्य गुरु प्रताप सिंह जी, प्रताप शाह जी उन्होंने कहा कि पहला मारो बाप, तेरे वंश में गलती हो रही है, वो उदा हत्यारा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी, याद है क्या, पहला मारो बाप, अबे पूत पछाटियो, प्रण करे प्रताप, रण न मानू राज सही। ये प्रताप प्रण करता है कि तेरे को महाराणा स्वीकार नहीं करूंगा, और प्रताप शाह जी ने मेवाड़ छोड़ दिया। कोटा महाराव ने उनकी 14 कोस पर आगे आकर के अगवानी की और उनको वहां पर जागीर दी, परंतु मन आखिर ऐसे धर्मात्मा का मन उस समय तो क्रोध पर नियंत्रण नहीं था, परंतु मन के अंदर तो पीड़ा थी कि मेरे हाथ से क्या हो गया। अनेक लोगों को पूछा कि इसका प्रायश्चित क्या है, तो ब्राह्मणों ने जो प्रायश्चित बताया वो बहुत दुष्कर था, कहा या तो अपने को आत्मदाह के हवाले कर दीजिए, अपनी देह जला दीजिए, या इतना बड़ा सरोवर बनाइए कि करोड़ों पशु पक्षियों का कल्याण हो।
जैसलमेर की राजकुमारी से विवाह करके जब पधार रहे थे तब ये गोमती का प्रवाह बहुत तीव्र था। उन्होंने उस समय निश्चय कर लिया था कि यहां पर एक तालाब बनाऊंगा। परंतु कुछ समय बाद जब ये बात सामने आई तो यह भी उसमें सम्मिलित हो गई। और जब रूप नारायण जी के दर्शन करने के लिए एक बार गए तब यहां पर उनको विश्राम करना पड़ा गोमती के प्रवाह के कारण। तब उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं इस जगह पर एक तालाब बनवाऊंगा। और उन्होंने इस राज संबंध की नींव को माघ कृष्णा सप्तमी संवत 1718 में नीम खुदाई का काम प्रारंभ किया। उसके तीन वर्ष तक नीम खुदाई का काम चलता रहा। 3 वर्ष बाद उसके बाद में 3 वर्ष बाद 1721 में और नीव भराई का काम शुरू किया। ये तिथि थी कार्तिक शुक्ला दशमी। और उसके बाद में आषाढ़ शुक्ला चौथ को उसके 6 वर्ष बाद चुनाई का काम हुआ। उसके 6 वर्ष बाद लगभग 1727 में और अपनी नाव उतारी, इसमें नाव का प्रवाहित किया। और उसके 5 वर्ष बाद 1732 में माघ शुक्ला नवमी के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू किया। 5 दिन तक यह उत्सव चला, 6 दिन तक। और उन्होंने 14 कोस की पूरी परिक्रमा राजसमंद की रानी सहित महाराज कुमार सहित परिक्रमा की और उसमें 46,000 लोग सम्मिलित हुए। 1,05,07,608 रुपया खर्च हुआ। और इस पाल पर 25 शिलाओं में, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा शिलालेख है, यहां पर शिलालेख लगवाया राज प्रशस्ति का। रणछोड़ भट्ट की लिखी हुई राज प्रशस्ति यहां शिलालेख के रूप में लिखी गई। 25,000 रुपए मुख्य शिल्पी को दिए। अनेक गांव यहां के कवियों को, विद्वानों को उन्होंने दान में दिए। तुला दान किया, उसमें 9,000 तोला स्वर्ण चढ़ा था। पोते अमर सिंह सहित तुला दान किया था। और राजसमंद की प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। एक इतना बड़ा यज्ञिक कार्य पूर्ण हुआ। महाराणा बहुत प्रसन्न थे। उसी कालखंड में 1718 में गोवर्धन पर्वत पर वल्लभ पीठ के मंदिर श्रीनाथ जी की विग्रह को तोड़ने पर आमादा औरंगजेब को देख करके, क्योंकि औरंगजेब ने जो क्रूरता की पराकाष्ठा थी वो कर रखी थी उस समय, और हिंदू मंदिरों पर तो मानो उसकी आंख फूट रही थी, उसने कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, उसने काशी विश्वनाथ तोड़ा, ऐसे विख्यात तीर्थों को तो तोड़ा ही, हजारों हजार मंदिर उसने तोड़ दिए, हिंदू आस्थाओं पर चोट की उसने। और जब वो गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ा तो वहां के पुजारी दामोदर जी गुसाई अपनी बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की प्रतिमा लेकर के वहां से निकले। वहां से निकल करके वो चौमासे के समय में कोटा में रात रहे। कोटा के बाद में उनको जब शरण नहीं मिली तो वे आगे बढ़े और जोधपुर की तरफ गए। चौपास्ती में उन्होंने लंबे समय तक रह करके, और उधर से औरंगजेब ने अपना दलबल भेज रखा था, कोई भी इसको शरण न दे, जो शरण देगा वो मुगलिया तख्त का कोप भाजन बनेगा। दामोदर के सामने भी बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने अपने साथी को भेजा महाराणा राज सिंह जी के पास,
और महाराणा राज सिंह जी ने आश्वस्त किया। चारुमति स्वयं भी कृष्ण भक्त थी, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी। उन्होंने कहा 1,00,000 राजपूतों के सिर कटने के बाद श्रीनाथ जी के विग्रह के कोई हाथ लगाएगा। और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी संवत 1718 में यहां सिंहाड़ गांव में उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए मंदिर बनवा करके और उस गांव का नाम श्रीनाथ द्वारा कर दिया गया। उसी समय में यहां कांकरोली में भगवान द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। इस युग में इतने निर्माण हुए, देवारी का जो वर्णन मैं पहले कर चुका हूं, उदयपुर में अंबा माता का मंदिर, बोहरा गणेश जी का मंदिर, ये सब महाराणा राज सिंह जी के बनाए हुए हैं। यहां एक बावड़ी है, त्रिमुखी एक सफेद पत्थर की बावड़ी है, वो रानी चारुमती ने बनाई थी। राम रस देने एक त्रिमुखी जया बावड़ी बनवाई उदयपुर में। ऐसे अनेक निर्माण कार्य उस कालखंड में हुए, यानी स्थापत्य का एक तरह से वो युग था पूरा का पूरा। उसके बाद में जब दो कार्य ये औरंगजेब को चुनौती भरे हो गए, श्रीनाथ जी की स्थापना हो गई, द्वारकाधीश का मंदिर बन गया, और उधर चारुमती से विवाह हो गया। निर्माण कार्य सतत चल रहा था, मेवाड़ अपने पुनः गत गौरव को प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था। उधर थोड़ी सी हलचल बहुत लंबे समय के बाद में, जब से मालदेव के बाद मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के सामने समर्पण किया था, उसके बाद में निस्तेज हुई। राठौड़ शक्ति में वापस उदय होने की तैयारी हो रही थी। ये जसवंत सिंह के नेतृत्व में उत्ताल तरंगे ले रही थी, परंतु जसवंत सिंह के साथ औरंगजेब का व्यवहार बहुत दुश्मनी भरा था। उनको गुजरात के सूबेदार से हटा करके जमरूद के थाने में भेज दिया और वहां पर धोखे से उनकी हत्या करवा दी। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था उस समय, और परंतु सौभाग्य से दोनों रानियां गर्भवती थी। दुर्गादास राठौड़, बड़े प्रयत्नों पूर्वक कथा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको नहीं कहना चाहता, समय की अपनी सीमाएं, परंतु बड़ी कठिनाई से अपने दल बल के साथ लाहौर लाया। लाहौर में उसको फरमान मिला कि जसवंत सिंह के बच्चों को यहां शाही हरम में भेज दिया जाए। उन्होंने बड़ी विनती की, बच्चे छोटे हैं, मां के बिना नहीं रह सकते, परंतु औरंगजेब ने एक नहीं सुनी। तब छल पूर्वक किसी दूसरे बच्चे को बदल करके और धीरे से वह सपेरे के वेश में दुर्गादास और एक सफाई कर्मी के वेश में एक मुकुंद सिंह की पत्नी और ये लेकर के वहां से जब निकले, तो दल पूरा का पूरा दल था उसमें से मुगलों से लड़ते लड़ते केवल 7 लोग बचे थे। अजीत सिंह को, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मेवाड़ के महाराणा ने शरण दी। उन्होंने कहा एक एक करके अगर राजपूत शक्तियों का क्षय हो जाएगा तो इस भारतवर्ष का होगा क्या, क्योंकि स्थितियां तो ऐसी हो चुकी है कि भारत का जो शासक वर्ग है वो तो दिल्लीश्वर हो वा जगदीश्वर हो के गुणगान कर रहा है, वो तो दिल्ली से खिताब पाना और मनसबदारी प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में बैठा हुआ है। मुझे यहां राठौड़ों की सहायता करनी चाहिए। और किस विकट परिस्थितियों में दुर्गादास आया था, और उस समय जो तलवारों का और युद्ध छाया था उसका वर्णन बाद में जाकर के एक कवि ने कैसा किया, अंदाज लगाएं आप कि इन कारण मरुधर पर, इस कारण से मरुधरा पर ओछो बरसे मेघ, धरती मरुधरा की धरती पर धीमा क्यों बरसता है, कम क्यों बरसता है, ओछो बरसे मेघ, रगता सींची राठौड़ बारू माह अछे, बारह महीने बिना कोई छेद दिए बिना कोई रुकावट किए लगातार रक्तों से जिस धरती को सींचा है वहां इस बादल की क्या हिम्मत जो पानी बरसा दे।
जैसा मेवाड़ के लिए कहा जाता था ना कि बादल थारी बीजड़ी खग मृग ने दरपाय चमक्या तेग चित्तौड़ी दिल्ली धड़क का खाय। ये चित्तौड़ की तलवार जब चमकती है तो दिल्ली धूझने लगती है, ऐसा ही उसके लिए कहा। और दुर्गादास इस कठिन परिस्थितियों में, अरे थम्बा बनाया भाले का और डाल ऊपर छाया कर रही थी, आठ पहर 64 घड़ी गुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास। उस वीर का अभिनंदन करके राज सिंह जी ने अपने यहां लिया और 12 गांवों सहित कैलवा की जागीर उनको सुपुर्द की। यह भी एक चुनौती थी, यह भी औरंगजेब को एक चुनौती थी। जजिया का फरमान जब निकला तो राज सिंह जी ने एक पत्र औरंगजेब को कड़ा लिखा और उन्होंने कहा यह जजिया कर तुमने हिंदुओं पर जो लगाया है, जजिया का मतलब है काफिर लोगों पर लगने वाला कर, जो मुसलमान नहीं है उनके अलावा जो रियाया है उस पर जो शासन की ओर से कर लगाया जाता था उसको जजिया कर कहते थे। महाराज राज सिंह जी ने उसका तीव्र विरोध किया, एक पत्र औरंगजेब को लिखा, उस कड़क पत्र की भाषा बहुत तेज थी, औरंगजेब के पसीने छूट गए उससे। जजिया का विरोध, दुर्गादास को शरण, अजीत सिंह जी को शरण, चारुमति से विवाह, भगवान द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की स्थापना, इन सब से मुगल बादशाह औरंगजेब बहुत खफा था, बहुत गुस्सा था उसको। और फिर भारत के और एक तरह से विधि सम्मत जो सम्राट हैं वो मेवाड़ के शासक हैं, ये मैं बता देता हूं, क्योंकि स्वतंत्रता का पहला उद्घोषक हमीर था। अलाउद्दीन खलजी जब पूरे भारतवर्ष में अपनी काली छाया बिखेर चुका था तब हमीर ने यहां पर से मिट्टी हाथ में ली, क्योंकि कुछ लोग बात कर रहे थे बैठे बैठे अपने आप कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने चित्तौड़ के अंदर इस प्रकार का युद्ध किया। तो किसी ने कह दिया दादा पानी काढ़ता दे धरती रे लात, तुम्हारे दादाजी धरती के लात लगा के पानी निकाल देते थे परंतु तुम्हारे क्या हुआ। और इसलिए उस माटी को हाथ में लेकर के हमीर ने अपने सिर पर लगाया और कहा एक साल के अंदर चित्तौड़ को वापस मुक्त करा दूंगा, और अलाउद्दीन खलजी के और किला नायक को वहां से भगा दिया। वो हमीर जिसने मुगल बादशाह मोहम्मद तुगलक को 6 महीने तक अपनी कैद में रखा, पर मेरी सद्गुण विकृति मेरे देश की जैसी भूल पृथ्वीराज चौहान ने की वैसी ही भूल मेरे हमीर ने की, उसी समय गर्दन पर तलवार साफ कर देता तो भारत का नक्शा कुछ और होता, भारत का भाग्य सूर्य इस तरह से छितराता बिथरकता चलता रहता रहता। परंतु उस समय औरंगजेब ने देखा कि ये राठौड़ों और मेवाड़ के सिसोदियाओं की शक्ति मिलकर के अब मुगल सल्तनत की ओर बढ़ेगी, तब उसने पूरी ताकत चौंक करके वो चाहे शहजादा मुअज्जम हो, चाहे आजम हो, चाहे अकबर हो, ये अकबर दूसरा वाला है जो औरंगजेब की संतान थी, इन सब को कलेक्ट करके और मेवाड़ मारवाड़ अभियान की ओर बढ़ गया। चारों तरफ से मेवाड़ को घेर लिया और मेवाड़ के महाराणा ने अपनी वही चिर परिचित शैली, वह परंपरागत शैली जो गरुड़ झपट्टा मारने वाली थी, अपने अपने सब सामंतों को अलग अलग जगह पर तैनात करके चित्तौड़ और उदयपुर को प्रजा विहीन करके और पहाड़ों में चले गए। पानरवा भोमट के अंदर रहे कुछ समय तक, फिर दूसरा पड़ाव उन्होंने नैनबारा में डाला। चारों तरफ से अत्याचारों की परिसीमा हो रही थी, यहां का कण कण और यहां का पत्थर पत्थर रक्त से रंजित हो रहा था। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, सारे के सारे सेनापति यहां से हार करके भाग करके जा रहे थे। कहीं चित्तौड़ पर किसी ने गरुड़ झपट्टा मारा,
कहीं देसूरी पर मारा, कहीं राजनगर पर मारा, कहीं उदयपुर की पहाड़ियों में मारा, और उनके पुत्र भीम सिंह को भेज दिया गुजरात में। जाओ, इस औरंगजेब की सेना ने उदयपुर में 172 मंदिर तोड़े हैं, 172। चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़े हैं, उदय सागर की पाल पर 3 मंदिर तोड़े हैं। इसका बदला कौन चुकाएगा? तो भीम सिंह और दयालदास बोले, हम चुकाने जाएंगे। दयालदास अपनी टुकड़ी लेकर के मालवा की ओर चला गया और भीम सिंह अपनी टुकड़ी लेकर के गुजरात की ओर चला गया। 300 मस्जिदें भीम सिंह ने गिराई। ये मंदिरों का बदला वहां लिया। इतना ही नहीं है, ये महाराणा राज सिंह जी की नीति कुशलता, युद्ध नीति थी कि औरंगजेब का ध्यान मालवा और गुजरात की तरफ भटकाना था, और इसलिए औरंगजेब की सेनाएं वापस पलायन को मजबूर हुई। बार बार अकबर को धिक्कारा जा रहा था, तेरी योजना की असफलता के कारण ऐसा हुआ। और इधर दुर्गादास और महाराणा राज सिंह जी ने मिलकर के अकबर को कहा, देख राठौड़ों की शक्ति और सिसोदियाओं की शक्ति तुझे मिल जाएगी, तू औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दे, बादशाह बन जाएगा। और इसलिए औरंगजेब को ये जब बनक लगी, तब उन्होंने उसने अपनी सेना का पलायन वापस किया। एक तरह से औरंगजेब की हार हुई थी उस तरह से, और वो यहां से पलायन को मजबूर हुआ। अकबर को लेकर के दुर्गादास रुके नहीं, दुर्गादास मराठा संभाजी के पास तक लेकर गए। और इस तरह से महाराणा राज सिंह जी जब नैनबारा से आ रहे थे तो बीच में ओड़ा में विश्राम किया, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेरा देश हमेशा गद्दारों से हारा। उनको किसी ने अन्न में विष दे दिया, भोजन के साथ विष खाने से उनका देहावसान हो गया, और सदा सदा के लिए वह हिंदवा सूरज जिसने विजय कर कातू यानी दुश्मनों का कत्लगाह, विजय करकातू दुश्मनों का नाम मिटाने वाला, ऐसी उपाधि का धारण करने वाला हिंदवा सूरज जिसने महाराणा कुंभा की हिंदू सूत्रण की उपाधि को चिरजीव किया, वापस पुनर्जीवित किया, वो सदा सदा के लिए हमसे विदा हो गया। और उनके विदा हो जाने के बाद उनके पुत्र जय सिंह राजगद्दी पर विराजे, परंतु उस समय परिस्थितियों के मारे उनको कुछ समझौता करना पड़ा, और उस समझौते में हालांकि मेवाड़ का गौरव तो अक्षुण्ण रहा, परंतु फिर वह राज सिंह जी वाला मामला नहीं हुआ। इसलिए जब जब ये भारत जूझेगा, जब 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 ये भारत आज़ादी का संघर्ष करेगा, तब तब महाराणा राज सिंह जी सबको याद आएंगे। महाराणा राज सिंह जी का जो गौरव है वो हमें भूलना नहीं है। और आप सबने संकल्प किया है कि महाराणा राज सिंह जी के गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे। जन जन तो उनका चहेता था, हर गांव में उनको आदर सत्कार के साथ जनता लेकर चली थी। जब उदयपुर खाली हो गया, चित्तौड़ खाली हो गया, राव उमरावों की परिवारों की जिम्मेदारी लेकर के वो भोमट के मंगरों में चले गए थे, तब किसने साथ दिया था? मेरे इस देश की जनता ने साथ दिया था, यहाँ के भीलों ने, आदिवासियों ने, उन्होंने सहयोग दिया था और आज़ादी के इस संग्राम को अक्षुण्ण बनाए रखा। मैं फिर से हाडी रानी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भारत की नारी या नारी शक्ति अधिक बैठी है, इसलिए मैं एक छंद सुना करके अपनी बात पूरी करूँगा। भारतीय नारी जब धारती कटारी है तो ढीले अरि दल के कमान कर देती है, कमल सरीखे कर कलम उठाती है तो वेद की ऋचाएं निर्माण कर देती है, जिंदी जल जाती है बाल बिंदी को बचाने कभी, पावक के पुंज में स्नान कर लेती है, दान कर देती है सुधा का वसुधा को और शंकर समान विश्वपान कर लेती है। मैंने छोटे छोटे वाक्यों में राज सिंह जी के चरित्र को समेटने का प्रयत्न किया। यदि उनके संपूर्ण सांगोपांग जीवन की चर्चा करनी हो तो फिर ये कुछ दिन, 5 दिन भी कम पड़ेंगे, इसलिए आप क्षमा करें, मैं बीच बीच में कथाक्रम को छोड़ करके और आगे बढ़ा हूँ। आप भी क्षमा करें और मुझे महाराणा राज सिंह जी भी क्षमा करें।